हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे दिए हुए गए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक करके जुड़ जाइए द एकेडमी प्लस फैमिली से। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल क्लासरूम के बारे में। बेसिकली दिस इज एन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन बाय इटसेल्फ गूगल। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर टू फिल द गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दिस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म गूगल क्लासरूम इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है गूगल क्लासरूम। इस पर क्लिक करने के बाद जो दूसरा वाला लिंक है classroom.google.com, इस पर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, दिस इज द इंटरफेस फॉर द गूगल क्लासरूम। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो पहले आप साइन इन कर लें, उसके बाद इसको ओपन करें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो इस तरीके से मैं आपको एक और क्लास क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो एज अ टीचर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन क्रिएट अ क्लास इन गूगल क्लासरूम। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहां पर एक प्लस का सिंबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन यहां पर मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है ज्वाइन क्लास का और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट क्लास का। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर स्टूडेंट्स ओनली एंड द सेकेंड ऑप्शन इज फॉर टीचर्स क्रिएट क्लास। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन क्रिएट क्लास फॉर द स्टूडेंट्स। यहां पर आपको इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको चार ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होगा क्लास नेम, और दूसरा है सेक्शन, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा है रूम नंबर। तो यहां पर लेट्स से आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ क्लास फॉर दी बीटेक ईसी ब्रांच एंड द सेक्शन इज ए एंड द सब्जेक्ट इज मैटलैब एंड द रूम नंबर इज 1, देन क्रिएट। Now you can see this class is going to be created. Okay, now finally आपकी जो क्लास है BTech EC branch की वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस ब्लॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है सिलेक्ट थीम, थीम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है कि आप फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज आप स्टूडेंट्स को कैसे ऑनलाइन नोट्स दे सकते हैं, कैसे आप असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को। तो उसके लिए आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है क्लास वर्क पर। क्लास वर्क पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है असाइनमेंट, उसके बाद है क्विज असाइनमेंट, फिर क्वेश्चन, फिर मटेरियल। नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू असाइन दिस असाइनमेंट टू योर स्टूडेंट्स, देन सिंपली क्लिक ऑन इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइटल और इंस्ट्रक्शन। तो टाइटल में जैसे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट का नाम मैटलैब, और इंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने लिख दिया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि जो आप फाइल यहां पर बच्चों को देने वाले हैं, उसके अंदर लेट्स से कि आपके पास 7 क्वेश्चन है, तो आपने उनको बोल दिया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं, तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल और यूट्यूब। तो मैं जैसे यहां पर क्लिक कर लेता हूं फाइल पर, और यहां पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। अगर आपके पास पहले से ही असाइनमेंट रेडी है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने ऑप्शन चूज किया है डेस्कटॉप और असाइनमेंट मैटलैब पीडीएफ। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसको मुझे अपलोड करना है। आप यहां पर सिंपली अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही मैं इसको अपलोड करता हूं, आप देख सकते हैं कि ये अपलोड हो रही है। आप मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, ऐड मोर फाइल्स का ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो फाइनली ये यहाँ पर पीडीएफ बेसिकली अपलोड हो चुकी है। यू कैन सी स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल। नाउ यू कैन इवन कंडक्ट द एग्जाम फॉर दिस असाइनमेंट। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल, और यहाँ पर आपको डेट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आज है 10th of April, तो लेट्स से कि मुझे कल ये असाइनमेंट कंडक्ट कराना है, तो मैं कल का डेट डिसाइड कर लेता हूं। और यहां पर टाइम डिसाइड कर लेते हैं मॉर्निंग 10 AM। शेड्यूलिंग यू कैन सी, नाउ यू कैन सी कि दिस क्लास हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर April 11, 10 AM इन द मॉर्निंग। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द पीपल। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं कि देख सकते हैं कि जो टीचर्स वाली लिस्ट है उसमें जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम लिखा हुआ है,
और यहाँ पर आपके जो और भी टीचर्स फ्रेंड्स हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, और भी जो टीचर्स हैं, और इस ऑप्शन के थ्रू आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनवाइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, या तो उनका डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं या फिर उनका ईमेल आईडी आप उनसे मांग सकते हैं और यहाँ पर लिखे उनका ईमेल आईडी। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिखर शम, सो दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम। Now you can see Shikhar Shyam has been invited. यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है invited, that means आपकी जो request है वो उसके पास पहुंच चुकी है। Now in the same manner you can invite lot of students here. So this is all for this video. Thank you so much for watching.